सेक्टर पर एक अच्छे स्कूल, एक अच्छे प्रतिष्ठान की आवश्यकता थी। ऐसे प्रतिष्ठान की आवश्यकता थी तो उसमें शिक्षक तो हो ही, और जो प्रतिष्ठान का मालिक है उसे व्यवसाय की दृष्टि से न देखे। जब हम शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ देते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो विसंगतियां पैदा करती है, और विसंगति पैदा करती है तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली नस्ल है, जिसके ऊपर हमारा, हमारे परिवार का या प्रदेश का या देश का भार आने वाला है, वो पीढ़ी विकृत पैदा हो जाती है। आज देश के अंदर भी हम जो देख रहे हैं, कन्हैया जैसे लोग जो जेएनयू में पढ़ते हैं और जेएनयू में पढ़कर देश के तोड़ने के नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, या भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अब भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर इस तरह के नारे लगाएगा तो इसका मतलब यही है कि निर्माण में त्रुटि रह गई, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया कहीं ना कहीं। और जब निर्माण में त्रुटि होती है तो भावी पीढ़ी निर्माण ठीक नहीं होता है। मैं मानता हूं गुरमीत सिंह जी स्वयं उच्च विचारों के धनी हैं, और यह संस्थान दिनों दिन यहां पर प्रगति करेगा। इस इलाके में एक अच्छे स्कूल की आवश्यकता भी थी जिसकी आज कमी पूरी हो गई। मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, और साथ ही उनको ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि उन्हें आने वाली कोई भी दिक्कत हो वो निश्चित रूप से बताएं, हम भरपूर मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।